रानीगढ़ क्षेत्र में कोरोना महामारी शुरू होने से पहले जिन महिलाओं ने फाइनेंस कंपनियों से अपने घर की ज़रूरत और रोजगार चलाने के लिए कर्ज लिया था, पंजाब में लगे लॉकडाउन के कारण वह कर्ज महिलाएं अदा नहीं कर पाई, जिसे लेकर फाइनेंस कंपनियां और मजदूर महिलाओं में आपस में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। महिलाएं कहती हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं कर्ज अदा करने के लिए। फाइनेंस कंपनियां कहती हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्हें उनका पैसा चाहिए। अब कर्जदार गांव की महिलाओं ने साफ कर दिया है कि अब वह आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इससे तो अच्छा है कि कोरोना से उनकी मौत हो जाए, कम से कम उनके परिजनों को बहाना तो मिल जाएगा कर्ज से छुटकारा पाने का। महिलाओं ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर गांव में आकर फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी महिलाओं को तंग परेशान कर गुंडागर्दी करेंगे तो अब उनसे उनकी आर पार की लड़ाई होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह पैसा वापस नहीं करेंगे, उनका कर्ज सरकार अदा करे। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए भवानीगढ़ से लवली कौशल की रिपोर्ट। प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों का कर्जा असी नहीं भरांगे। साडे प्राइवेट कंपनियां दे बीबियां ते पिंडां ते शहरी बीबियां ने प्राइवेट कंपनियां दा जिहड़ा कर्जा लिया होया, इह पिंडां च एजेंट कंपनियां दे आ के बहुत इन्हां नूं तंग परेशान करदे ने। की करना, क्यों नहीं भर रहे? इह लॉकडाउन दे दौरान, 3 महीनियां दे लॉकडाउन दौरान इन्हां दीआं किस्तां जो इकट्ठियां होईआं ने, इह इकट्ठा पैसा कंपनी वाले इकट्ठा पैसा भर रहे हुंदे ने, इकट्ठा ब्याज, इह ना ब्याज भर सकदीआं ना इह पैसा भरन। इह पैसा साडी मजदूर मुक्ति मोर्चा जथेबंदी वल्लों असीं उत्ता चक्किआ है, जिहड़ा पैसा साडा सरकार भरे। कंपनियां दे एजेंट आ के साडे ते गुंडागर्दी करदे ने, असीं इह कर्जा नहीं भर सकदे, पैसा साडा सरकार भरे। इह कल तों ही पिंडां च आउणे शुरू हो गए, सानूं बीबियां दे फोन आ रहे ने। अच्छा, इह गल दस्सो बीबी, तुहानूं कोरोना तों नहीं डर लगदा? ना जी, सानूं कोई कोरोना तों डर नहीं लगदा। मास्क नहीं पाया है तुसीं, नेड़े नेड़े सारे करदे? सानूं तां जी कोई नहीं डर लगदा, इदूं तां असीं कोरोना च आ के मर जाइए उह चंगा साडे वास्ते। नहीं हां, कोरोना च फिर ऐ तां बहाना होजू वी असीं कोरोना च मर गए, पैसे नहीं असीं वापस करदे। लॉकडाउन खुल्ली आले 2-4 दिनां बाद ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਇੱਦੂ ਦਾ ਮਰਨੀ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਡੱਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀਰੀ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ 100% ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ 50% ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਜੀ।